हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोरल रीफ्स। आज हम इस व्याख्यान में प्रवाल भित्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रवाल भित्तियां जो कि अत्यधिक जैव विविधतापूर्ण अंतर्सागरीय स्थलाकृतियां हैं, जिनका निर्माण मूंगा या कोरल पॉलिप नामक समुद्री जीवों के अस्थि पंजरों से होता है। ये चूना प्रधान चट्टाने होती है जिनका निर्माण उष्णकटिबंधीय सागरों में नॉर्थ 25 डिग्री से साउथ 25 डिग्री अक्षांशों के बीच में किसी द्वीप या तट के सहारे 200 से 300 फीट की गहराई में स्थित अंत सागरीय चबूतरों पर होती है, जहां सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है। इनके विकास के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान चाहिए। अधिक लवणता व पूर्ण स्वच्छ जल दोनों ही इनके विकास के लिए नुकसानदेह है। प्रवाल के समुचित विकास के लिए औसत सागरीय लवणता 25% से 30% होनी चाहिए। सागरीय तरंगे व धाराएं प्रवालों के विकास के लिए लाभदायक हैं। प्रवाल भित्तियां तीन प्रकार की होती है, जिसमें पहला है तटीय प्रवाल भित्ति या फ्रिंजिंग रीफ। यह तट के साथ साथ बनी प्रवाल भित्तियां हैं। उदाहरण के लिए भारत में मन्नार की खाड़ी, यूएसए में दक्षिणी फ्लोरिडा सागर तल और स्थल, उसके साथ साथ में ये फ्रिंजिंग रीफ्स या तटीय प्रवाल भित्तियां बनती है। दूसरी है अवरोधक प्रवाल भित्ति या प्रवाल रोधिका या बैरियर रीफ। ये तट से कुछ दूर पर पाई जाने वाली प्रवाल भित्तियां हैं। बीच के भागों में इनमें लैगून झील मिलती है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समीप ग्रेट बैरियर रीफ संसार की सबसे लंबी प्रवाल रोधिका है। यह 1200 मील की लंबाई में फैली हुई प्रवाल रोधिका है, सागर तल से कुछ दूरी पर मिलने वाली प्रवाल रोधिकाएं। तीसरी प्रकार की जो प्रवाल भित्तियां हैं वो प्रवाल वले या एटोल, कोरल रिंग या एटोल बोलते हैं। ये किसी द्वीप या तट को प्रवाल भित्तियों द्वारा चारों ओर से घिरे हुए होता है, जैसे फिजी एटोल, फुनाफुटी एटोल इत्यादि। विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न कालांतरों में विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के संबंध में, जिसमें मुख्य रूप से डार्विन का अवतलन सिद्धांत या सब्सिडेंस थ्योरी, मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत स्टेबल लैंड थ्योरी, डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत या ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, डेविस ने अपनी पुस्तक द कोरल री प्रॉब्लम में प्रवाल भित्तियों से संबंधित 12 सिद्धांतों का विवेचन कर डार्विन के सिद्धांत को सर्वाधिक उपयुक्त बतलाया, परंतु डेली के सिद्धांत के साथ मिलाकर देखने का समर्थन किया। प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग। प्रवाल जीवों के जुक्से थैले नामक सूक्ष्मदर्शी शैवालों से सहजीवी संबंध होता है। ये शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तथा इनसे प्राप्त पोषक पदार्थों से प्रवालों के विकास में मदद मिलती है, परंतु जब तापमान वृद्धि, एलनिनो परिघटना, अवसाद व गाद जमा होने, समुद्री प्रदूषण व प्रवालों में
संक्रामक रोग होने से युक्सेनक थैले शैवाल समाप्त होने लगते हैं एवं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होने लगती है, तो शैवाल का रंग श्वेत हो जाता है, जिसे प्रवाल विरंजन कहते हैं। यह अंततः प्रवाल विनाश की दशा का निर्माण करते हैं। प्रवाल विरंजन की घटना का अल्फ्रेड मेयर द्वारा 1919 में ही अवलोकन कर लिया गया था, परंतु इस प्रक्रिया तथा घटना के प्रति विश्व के वैज्ञानिकों का ध्यान सन 1998 में आकर्षित हुआ, जबकि केन्या तट के पास हिंद महासागर के द्वीपों यथा अंडमान, मालदीव, लक्षद्वीप आदि के 70% से अधिक प्रवालों की मौत हो गई। 1997-98 में आया अल नीनो परिघटना के कारण पूरे विश्व में प्रवाल विरंजन की अभूतपूर्व घटनाएं हुई, जिसमें प्रवाल भारी मात्रा में नष्ट हो गए। इसे प्रवाल विनाश या कोरल कैटास्ट्रोफ की संज्ञा दी गई। भूमंडलीय ताप वृद्धि को प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण चिन्हित किया गया है। समुद्री सतह के तापमान बढ़ने, सौर विकिरण, गाद जमा होने, प्रवालों में ब्लैक बैंड रोग व कोरल प्लेग, जोनोबायोटिक्स उपवाय प्रकटीकरण, अकार्बनिक पोषक तत्वों, मीठे जल के संपर्क के कारण जल की सांद्रता कम होने, एपिजूटिक्स सहित प्रवाल पर्यावरण से में मानव जनित प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण प्रवाल भित्ति का विरंजन होता है। प्रवाल विनाश को रोकने के लिए तापमान वृद्धि व समुद्री प्रदूषण पर नियंत्रण अत्यधिक जरूरी है। इस प्रकार कोरल रीफ क्या होता है और ये कितने प्रकार की होती है और प्रवाल विरंजन क्या होता है, इसकी चर्चा हमने इस व्याख्यान में की। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग, लिसनिंग। थैंक यू।